चेन्नई में आज सुबह से ही लगातार धमाके हो रहे, एक बड़ा धमाका हुआ है। विस्फोट के बाद आसमान में आग का गोला नजर आया है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं और कीव के बाहर विशाल रूसी बख्तरबंद सैनिक काफिला है। कीव पर कभी भी बड़े हमले की आशंका है, 25 किलोमीटर की दूरी रह गई है। लेकिन जरा ये समझाइए इन तस्वीरों के साथ, तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे कीव पर एक के बाद एक अटैक हो रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रात के अंधेरे में जिस तरीके से अटैक किया गया और उसके बाद आसमान में सिर्फ आग के शोले नजर आए। जलजला है, पूरा कीव इस वक्त थर्रा रहा है ऐसे धमाकों के साथ। सर, समझने की कोशिश आपसे करते हैं कि आधुनिक हथियार है रशियन सैनिकों के पास, 20-25 किलोमीटर की दूरी पर रह गई है, लेकिन इतना समय क्यों लग रहा है कीव पर पूरे तरीके से कब्जा करने के लिए? जी, जब वॉर में जाते हैं कोई कंट्री तो उसमें टाइम प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हम इतने पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे। इस समय हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजिक फाइट जो कि रशिया लड़ रहा है वो एक टैक्टिकल लेवल पर लड़ रहा है, और बिल्डअप एरिया के अंदर लड़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर तब जब पूरे वर्ल्ड की नज़र आपके ऊपर है और आपको ह्यूमन राइट का भी ध्यान रखना है, और साथ साथ वो इंश्योर कर रहे हैं कि छोटे से छोटे हथियार का यूज़। जियोग्राफी को आप समझा पाएंगे कि आखिर वहाँ पर किस स्ट्रैटेजी के साथ रशियन सैनिक घुसने की कोशिश करें और इतना समय क्यों लग पा रहा है? जी, रशिया इस समय उसको चारों तरफ से घेर चुका है कीव को, और धीरे धीरे पेनिट्रेशन कर रहा है। उसके कुछ लड़ाकू ऑलरेडी कीव के अंदर आ चुके हैं, जिसे सेबिटाज यूनिट कहा जाता है, और वो ऑलरेडी आके ऑपरेटिव है इनसाइड। और कीव के अंदर लड़ाकू आ चुके हैं रूस के, और एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है यूक्रेन पर। लेकिन ये खतरा सिर्फ यूक्रेन तक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से न्यूक्लियर जो उनका प्लांट है उस पर एक बड़ा हमला किया गया था। सर, मैं ये समझना चाहूंगा कि कल जेलेंस्की ने ये कहा, वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर न्यूक्लियर प्लांट में रेडिएशन लीक हो गया और वहां पर ब्लास्ट हो गया तो यह सिर्फ यूक्रेन के लिए खतरा नहीं है बल्कि यह पूरे यूरोप पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आप कैसे देखते हैं, और क्या वाकई में अगर कल ऐसा हो जाता तो यूरोप मुश्किल में आ जाता? देखिए, पहली बात तो यह है कि जितनी न्यूज ये आ रही है इस समय, जैसे ब्लफ ब्लस्टर कॉरपोरेशन बीबीसी करता था, मैं हर न्यूज को फेस वैल्यू पे नहीं लूंगा कि किसने क्या कहा और किसने क्या न्यूज दे दी और किसने क्या न्यूज दे दी। मेरा एक इतिहासकार होने के नाते मैं क्वेश्चन करता हूं चीज़ों को। ये जो कह रहे हैं आप न्यूक्लियर ब्लास्ट पे कि रशिया ये कर रहा है, मुझे बताइए क्या गारंटी है कि मरते मरते जो है खुद यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो है उसको ब्लास्ट ना करवाए पूरे यूरोप को खत्म करने को? जबकि मतलब ये है कि जब उसकी अब जब वो कह रहा है, अब नाटो को गाली निकाल रहा है, पहले नाटो के चढ़ाने के ऊपर ऊपर चढ़ गया था, अब नाटो को गाली निकाल रहा है, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो जाते जाते आपकी बात को पूरी करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूक्रेन के सभी प्रांत का थर्मल पावर प्लांट तबाह हो गया है। रूसी के मिसाइल अटैक में थर्मल पावर प्लांट पूरी तरह से नष्ट हो गया है। थर्मल पावर प्लांट की तबाही की तस्वीरें सामने आई है। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, थर्मल पावर प्लांट की तबाही की तस्वीरें। और इससे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट में कल जो आग लगी थी, ये मामला भी लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। भारत ने यूएन में कहा है, एसपी सिन्हा जी, कि अगर इस तरह से न्यूक्लियर प्लांट पर हमले किए गए, उन्हें निशाना बनाया गया, तो उनकी सिक्योरिटी हमारा प्राइम कंसर्न है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि न्यूक्लियर प्लांट का जो कोर बिल्डिंग है उस पर अटैक नहीं हुआ है। ये अटैक हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में, ये अटैक हुआ है फायर। रशियन टैंक्स ने थर्मल इमेजेस का इस्तेमाल करके जो गोली जो अटैक किया है वो एटम एरिया और ट्रेनिंग एरिया में है, उसमें आग लगी है। वो आग कोर मिसाइल अगर कुछ मीटर की दूरी पर गिर जाती तो एक सेकेंड मैं एमिनेशन डिपो, मेरे को रिपोर्ट कर, इसीलिए आपका कमेंट जरूरी है। एमिनेशन डिपो का मैं टेक्निकल इंस्पेक्शन करता था एज एमजीओ जी, तो प्लीज ग्रांट मी दिस। देखिए, प्रोटेक्शन एमिनेशन डेपो पे भी प्रोटेक्शन वॉल्स होता है, यदि ब्लास्ट हुआ तो वो शॉक इफेक्ट वो बर्दाश्त कर सकता है, तो नेचुरल प्रोटेक्शन होता है। दूसरी बात है कि ऐसे ऐसे न्यूक्लियर प्लांट्स में ऑटोमेटिक स्विच ऑफ फैसिलिटी होता है कि टेम्परेचर वेरिएशन है, कुछ ऐसा हुआ तो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है, तो सुरक्षा तो गारंटीड है। ये जो खामखा, ये जो हाइपअप करने की जो प्रतिक्रिया कुछ न्यूज़ एजेंसी कर रही है विदेश की, ये गलत है। देखिए, ये गारंटी कौन लेगा सर? मिसाइलें गिर रही हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर इसका असर नहीं होगा, वहां पर विस्फोट नहीं होगा, इसकी गारंटी क्या रशिया ले सकता है क्या ऐसे माहौल में जब लगातार धड़ाधड़ मिसाइलें गिर रही हैं? एक सेकेंड रशिया चाहता तो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी का जो पावर प्लांट का जो कोर बिल्डिंग था वहां दागता, क्यों नहीं दागा?
देखिए उसका उसकी मकसद बहुत साफ है, क्या है? शॉक इफेक्ट देना है, भय क्रिएट करना है ताकि जेलेंस्की भी सर, लेकिन तस्वीरें जो है वो भय से ज्यादा विनाश की आ रही है, भय से ज्यादा विनाश की आ रही है। वहां से महिलाएं बच्चे सब देश छोड़ के जा रहे हैं, जो बच गए हैं वो हथियार उठा रहे हैं, सिविलियंस के हाथों में हथियार आ जाना, आप समझ रहे हैं? आप समझाएंगे कि ये वॉर किस डायरेक्शन में जा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या किसी का नहीं है आज की तारीख में? देखिए यूक्रेन राष्ट्रपति ही इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि आपने जब आम लोगों को हथियार दे दिए तो वो किसी भी सैनिक के लिए टारगेट बन गए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।